अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वसु जादूगर ये तुम्हारी कोठी की गाड़ी है। आज मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ, तुम सब से बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ वसु की वजह से। पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति आ गई कि इस शहर में नई होने के बावजूद वो जैसे तैसे करके मुझे अस्पताल ले आई। लेकिन चंदा, हम जानते हैं सर, आपको हॉस्पिटल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपको यहाँ 2 मिनट और नहीं रुकने देंगे। तुम दोनों बाहर जाओ, डॉक्टर से बात करो और सारे डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवा। जी मैम। सावित्री, घर पे सब तैयारी कर दो, हम सा को लेकर आ रहे हैं। जी हुकुम। अरे बेटा, समझो भला टल गई, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। काश मैंने आपकी बात सुन ली होती और आपके साथ ड्राइव पर चला गया होता तो शायद। अरे बेटा, मुझे ठीक तो होना ही था। तुम्हारी मासा से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा जो किया है, और देखो तुम नहीं थे लेकिन माता माई ने तुम्हारी जगह वसु को मेरी मदद के लिए भेज दिया।
हो चुका है सावित्री मौसी। मैया, जिस देवी हुकुम ने इतने लोगों का संरक्षण किया, आज उन्हीं का सुहाग खतरे में है। आपको देवी हुकुम की अच्छाई का फल देना होगा मैया, नहीं तो अच्छाई और सच्चाई दोनों पर से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। भरी भक्ति की लाज रख लो मैया, बड़े हुकुम के सारे कष्ट हर लो मैया, सारे कष्ट हर लो। बड़े हुकुम फिर से पहले जैसे हो जाए मैया, बड़े हुकुम के सारे कष्ट हर लो, बड़े हुकुम के सारे कष्ट हर लो मैया। मासा, पापा जा के लिए कमरा रेडी करा दिया, हम पापा जा को लेके चल सकते हैं। सा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और हम चाहते हैं कि इस बार नवरात्रि में हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। देवर साहब, आप गुरुजी से बात कर लीजिए और कल की कलश स्थापना की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। जी भाभी साहब। हनुमान, 25 साल पहले जो हुआ था वो हमें आज भी याद है। देव होने को था और हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सा किसी काम से शहर के बाहर गए थे। उस वक्त हमें बस एक ही डर था कि कहीं हमारे देव को कुछ ना हो जाए, पर तुमने अपनी जान पर खेलकर हमें हॉस्पिटल पहुंचाया और आज 25 साल बाद तुम्हारी बेटी ने सा को समय से हॉस्पिटल पहुंचाकर हम पर एक और उपकार किया है। हमारे परिवार का कल, आज और कल अगर सुरक्षित है तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की वजह से। सावित्री, कल से हनुमान की बेटी को काम पर बुलवा लो। मासा, वसुधा, वसु नाम है उसका। वसुधा को हमारे घर की रसोई में नौकरी मिलेगी। जी। देव, जी मासा। तुम वसुधा का कॉन्ट्रैक्ट बनवा दो और सावित्री, इस घर में काम करने वालों के लिए कुछ नियम कायदे हैं, उसे अच्छी तरह से समझा देना। जी हुकुम। चलिए साहब, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, दो चार दिन आपको आराम ही करना है। हाँ। आइए। क्या हुआ? मैं चुप थी तो सब मारे को भूल गए के? इतना आसान थोड़ी ना है मामेर के सारिका को भूलना। आप बस देखते जाओ कि के कर सके है सारिका सिंह चौहान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।